हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है बेसिक इंट्रोडक्शन टू लिटरेचर। इस टॉपिक में हम लोग आज की इस वीडियो में कवर करने वाले हैं लिटरेचर के डेफिनेशन को। लिटरेचर के डेफिनेशन पर डायरेक्ट सीधा बात करने से पहले समझते हैं कि आखिर ये जो वर्ड है ना लिटरेचर, इसका मतलब क्या होता है। एक एग्जाम्पल से समझेंगे। क्या आपको याद है कि हम लोग क्लास 10th में एक स्टोरी पढ़े थे इंग्लिश बुक में, अ लेटर टू गॉड? याद है क्या? उसमें क्या था कि एक फार्मर था, बहुत ही पुअर फार्मर था लैंचो नाम का, जिसका बहुत ही हैवी रेन से या किसी कारण से वो जो फसल लगाया हुआ था अपने खेत में, उसमें नुकसान हो गया रहता था। और उसके बाद उन्होंने क्या किया, एक लेटर लिख दिया भगवान को। इसलिए तो स्टोरी का नाम था ना कि अ लेटर टू गॉड। और उस लेटर में उन्होंने क्या लिखा था कि उन्हें कुछ पैसे चाहिए भगवान से, ये लिखकर उन्होंने लेटर को पोस्ट कर दिया। अब जब पोस्ट मास्टर और जितने भी लोगों वहाँ लोग थे, उन्होंने जब लेटर देखा, तो फिर उन्होंने कैसे उस गरीब किसान की मदद की। तो जब हम लोग स्टोरी पढ़ते हैं ना, तो स्टोरी के बाद हमें कुछ सीख मिलता है या उस स्टोरी से हमें कुछ संदेश मिलता है या कुछ नॉलेज मिलता है। कैसे? जैसे इस स्टोरी से क्या मिला था कि अभी भी जो फेथ है, जो लोगों का फेथ है, आस्था है, विश्वास है भगवान के ऊपर, वो अभी भी ज़िंदा है। लोग विश्वास करते हैं, और अगर लोग विश्वास करते हैं तो भगवान भी उनकी मदद करते हैं। कैसे? पोस्टमास्टर ने वो जो गरीब किसान था लैंचो की मदद की थी। तो यहाँ से हमें दो संदेश मिल रहा था, क्या कि एक तो अभी भी लोगों का जो विश्वास है वो भगवान के ऊपर है, और भगवान लोगों की मदद करते हैं, और दूसरा वो जो पोस्ट मास्टर लैंचो का मदद किए थे, उन्हें हम क्या कह सकते हैं कि अभी भी मानवता जिंदा है, लोग लोगों की मदद करते हैं। ठीक है, तो ऐसा ही कोई स्टोरी या पोयम या कोई भी रिटन वर्क हो जिससे हमें कुछ सीख मिले, समाज को कुछ संदेश मिले, कुछ नॉलेज मिले, तो वैसा वर्क को ना, वैसा रिटन वर्क को ही हम लोग लिटरेचर कहते हैं। अब मान लेते हैं कि हम लोग डेली न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, उसमें भी तो रिटन वर्क रहता है, कुछ आर्टिकल रहता है, न्यूज़ रहता है, कुछ लिखा हुआ रहता है। तो वो रिटन वर्क क्या है? वो आज न्यूज़ पढ़े हम, और आज वाला न्यूज़ तो कल के लिए पुराना हो गया रहेगा। आज का न्यूज़ जब हम कल पढ़ेंगे तो हम क्या बोलेंगे, ये ओल्ड न्यूज़ था। पर जो लिटरेचर का जो सबसे ख़ास बात है वो यही है कि वो हमेशा ज़िंदा रहता है। जो आज हम पढ़े, मेरे बाद आने वाला जो भी स्टूडेंट्स पढ़ेगा, फिर और जो भी पढ़ेगा, सबके लिए वो एक ही संदेश देगा, कभी पुराना नहीं होगा। इसीलिए लिटरेचर क्या होता है? वैसा रिटन वर्क जिसमें आर्टिस्टिक वैल्यू हो। क्या वैल्यू हो? जिसमें आर्टिस्टिक वैल्यू हो। ऐसा रिटन वर्क जिसमें आर्टिस्टिक वैल्यू हो। जैसे कि मान लेते हैं हम लोग आज मार्केट से चॉकलेट खरीद के आएँ, या फिर कोई कुछ भी खाने का सामान खरीद के लाएँ, बिस्किट ही खरीद के आएँ, तो उसके बिस्किट के पीछे भी तो कितना सारा कुछ रिटन वर्क रहता है, कुछ कुछ लिखा रहता है, तो क्या वो लिटरेचर है? नहीं ना। लिटरेचर क्या होना चाहिए? लिटरेचर का खासियत है कि उसमें एक आर्टिस्टिक वैल्यू होना चाहिए। अब जो डेली का न्यूज़ है वो लिटरेचर है? नहीं। अगर ऐसा बोला जाए कि हर रिटन वर्क लिटरेचर है, तब तो साइंस बुक में जो लिखा होगा वो भी लिटरेचर होगा? नहीं ना। लिटरेचर का मतलब होता है कि उसमें एक आर्टिस्टिक वैल्यू हो। जब हम लिटरेचर पढ़े, लिटरेचर में ऐसा आर्टिस्टिक वैल्यू हो, कोई भी स्टोरी हो, कोई भी पोएम हो, या ऐसा रिटन वर्क हो जो कि बहुत ही ब्यूटीफुली लिखा गया हो, सबसे पहला। तो दूसरा होना चाहिए कि बहुत ही डीप मीनिंग देता हो। ऐसा नहीं कि कुछ भी ऊपर ऊपर लिखा गया हो। पहला बहुत सुंदर से लिखा होगा, बहुत ही ब्यूटीफुली लिखा होगा, दूसरा बहुत ही डीपर मीनिंग दे रहा होगा और समाज को कुछ संदेश दे रहा होगा। और आर्ट, इसी को हम लोग आर्ट कहते हैं। अब अगर ऐसा हो तो न्यूज़पेपर का न्यूज़ भी तो लिटरेचर कहलाने लगेगा, पर ऐसा होता नहीं है ना। लिटरेचर को, लिटरेचर क्या होता है? वैसा रिटन वर्क जिसमें आर्टिस्टिक वैल्यू हो। अच्छा, तो अब मान लेते हैं कि लेटर टू गॉड से आप नहीं समझ पा रहे होंगे, तो आपको वो वाला स्टोरी तो याद होगा ना, खरगोश और वो जो कछुआ वाला स्टोरी। उसको जब हम लोग पढ़ रहे थे, वो तो बहुत छोटा में हम लोग पढ़े थे, तो उसको जब पढ़ रहे थे हम लोग, तो उससे भी हमें कुछ संदेश मिल रहा था, और जब हम पढ़े तो हमें भी मिला। अब जब हमारे बाद जो जूनियर क्लासेस के स्टूडेंट्स होंगे, जब वो पढ़ेंगे तो उन्हें भी वही संदेश मिलेगा। उन्हें लगेगा क्या कि ये कछुआ और खरगोश वाला स्टोरी तो बहुत पुराना हो चुका है, अब तो नहीं पढ़ेंगे? नहीं, हमेशा हमेशा, क्योंकि वो आर्टिस्टिक पीस है, वो हमेशा के लिए ज़िंदा रहता है। आर्ट कभी मरता नहीं है। इसीलिए ना कहते हैं कि लिटरेचर इज़ एन आर्ट बट विथ अ वर्ड्स। क्या था उस स्टोरी में, खरगोश और कछुआ वाला में? उससे हमें क्या सीख मिल रहा था कि धीरे धीरे ही और स्थिरता से हम कोई भी रेस जीत सकते हैं। स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस।
कैसे कछुआ जीत गया था खरगोश से, उस स्टोरी से आप समझ पा रहे हैं ना कि वो स्टोरी हमें कुछ संदेश दे रहा था। तो वैसा स्टोरी जो हमें कुछ संदेश देता है, समाज को कोई सीख देता है, उसे हम लिटरेचर कहते हैं। ये कुछ एग्जाम्पल है। तो एग्जाम्पल हम यहाँ पर क्यों कंसिडर किए, क्योंकि हम आपको यहाँ पर ये बताना चाह रहे थे कि लिटरेचर का बहुत सारा टाइप होता है, जैसे ये स्टोरी। अब वो खरगोश कछुआ वाला भी तो स्टोरी था, लेकिन वो शॉर्ट स्टोरी था। और ये जो है ये पोएम है, ये भी पोएट्री है, ये भी पोएट्री है, ये ड्रामा है। तो जब हम लोग आगे बात करेंगे ना, तो हम लोग देखेंगे कि लिटरेचर बहुत टाइप का होता है। कौन कौन सा होता है उसमें, स्टोरी होता है, फिर पोएम होता है, ड्रामा होता है, फिक्शन होता है। इसीलिए हम यहाँ पर एग्जाम्पल में आपको स्टोरी पोएम सब कुछ लेकर बता रहे हैं। आप होप कि आप समझ पा रहे होंगे कि क्या है। देखिए, जब हम वीडियो में आगे बनेंगे तो आपको, आप बने रहेंगे वीडियो में आगे, तो आपको समझ आएगा कि लिटरेचर क्या होता है, और भी अच्छे से समझ आएगा। देखिए, जब भी हम लोग किसी भी क्लास की शुरुआत करेंगे, तो आने वाले क्लासेस में जो भी वर्ड यूज़ किए जाएंगे, उनका हम लोग सबसे पहले वर्ड मीनिंग देख लेंगे, ताकि जब बार बार हम लोग पढ़ेंगे तो कन्फ्यूजन ना हो और समझने में कोई दिक्कत ना हो। जैसे कि बच्चों, लिटरेचर का मतलब तो आप समझ रहे होंगे, साहित्य। जब भी हम लोग क्लास में पढ़ना शुरू किए, जब से इंग्लिश हमारे सब्जेक्ट में आया, तो धीरे धीरे जैसे हम लोग बड़े होते गए, तो हमारा एक सब्जेक्ट आ गया था, याद है ना आप सभी को, इंग्लिश लिटरेचर और फिर हिंदी लिटरेचर। तो जो वो लिटरेचर वर्ड है ना, उसका मतलब होता है साहित्य। प्रोज का मतलब होता है गद्य, फिक्शन का मतलब भी होता है साहित्य। फिक्शन भी एक टाइप का साहित्य है, पर क्या है, काल्पनिक साहित्य है। मैंने कहा था ना कि लिटरेचर का बहुत सारा टाइप होता है, तो ये भी फिक्शन भी साहित्य का ही एक टाइप है, पर कौन सा है, काल्पनिक। और फिर नॉन फिक्शन, पोएट्री, कविता, ड्रामा, नाटक, नैरेटिव, कथा एट्सेट्रा, बहुत सारा वर्ड मीनिंग है यहाँ पर। आप इसको पॉज करके देख सकते हैं, या फिर आप इसका PDF हमारे टेलीग्राम चैनल DMA एजुकेशन से ले सकते हैं। और हाँ स्टूडेंट्स, आप कंप्लीट कोर्स हमारे एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके, DMA एजुकेशन इंस्टॉल करके हमारे साथ अपना कंप्लीट कोर्स को अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं। देखिए, कैरेक्टर का वर्ड मीनिंग तो आपको पता होगा, चरित्र। अच्छा, अब ये जो प्लॉट, सेटिंग और थीम है ना, ये सब जब हम लोग एलिमेंट्स पढ़ेंगे ना लिटरेचर का, तब इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ आप इसका मीनिंग समझ कर रखिएगा, ठीक है। देखिए, किसी भी चीज़ को पढ़ने से पहले, सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ते हैं, उसका इंट्रोडक्शन को, है ना। कोई भी टॉपिक शुरू करते हैं, कोई भी डिफ़िकल्ट सा टॉपिक रहता है, तो उसके लिए सबसे पहले क्या जानते हैं, उसका इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। तो उसी तरीके से लिटरेचर को डिफाइन करने से पहले समझते हैं कि लिटरेचर होता क्या है। देखिए, लिटरेचर सर्व्स एज अ मिरर टू द ह्यूमन एक्सपीरियंसेस। लिटरेचर को हम लोग कॉमनली क्या कह सकते हैं, कि ह्यूमन एक्सपीरियंसेस का मिरर है, आईना है, भगवान लोगों के अनुभवों का आईना है लिटरेचर। और किसके, और क्या है, इमोशंस के, थॉट्स के, और जितना भी स्टोरीज है अक्रॉस द टाइम्स और कल्चर जो हमारा होता है, उसको एनकैप्सुलेट कर देता है लिटरेचर। हमारे इमोशंस को, थॉट्स को, स्टोरीज को एक जगह लिख के छंदबद्ध कर देना, तो क्या हो जाता है, वो लिटरेचर हो जाता है। अब लिटरेचर तो ठीक है, कुछ भी रिटन वर्क जिसमें आर्टिस्टिक फॉर्म हो, लेकिन कौन कौन से टाइप्स होते हैं, तो सच एज पोएट्री, प्रोज। प्रोज का मतलब याद है ना, वर्ड मीनिंग में अभी हमने देखा ना, प्रोज का मतलब होता है गद्य, ड्रामा का मतलब होता है नाटक, नॉन फिक्शन का मतलब क्या होता है, अकाल्पनिक साहित्य। क्या ऑफर करता है रीडर्स को, एक यूनिक वे ऑफर करता है, क्या करने का, वर्ल्ड को एक्सप्लोर करने का, जानने का, समझने का। लिटरेचर क्या करता है, जो रीडर उसे पढ़ रहे होते हैं, उन्हें दुनिया को देखने का, समझने का एक यूनिक वे ऑफर करता है। अब देखिए, यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि की एलिमेंट्स होता क्या है, क्योंकि लिटरेचर जब भी हम लोग पढ़ते थे, तो हम लोग स्टोरी, उसके संदेश क्या थीम है, उतना तक सीमित हो जाते थे। लेकिन जब आप लिटरेचर के स्टूडेंट बन जाएंगे, आप अपना मेजर पेपर इंग्लिश चूज़ कर लेंगे, तब आप एक को एक एक चीज़ डिटेल में पढ़ना होगा कि क्या क्या की एलिमेंट्स होते हैं, थीम क्या होता है, प्लॉट क्या होता है, कैरेक्टर क्या होता है, सेटिंग्स क्या होता है, पॉइंट्स क्या होता है। तो ये सब हम लोग कब पढ़ेंगे, जब हम लोग एलिमेंट्स ऑफ लिटरेचर पढ़ेंगे आने वाले दिनों में। इससे क्या होता है, बाय इंगेजिंग विथ लिटरेचर रीडर्स कैन एक्सपीरियंस द रिचनेस ऑफ डिफरेंट कल्चर्स, हिस्टोरिकल पीरियड एंड पर्सपेक्टिव, गेनिंग इंसाइट्स इनटू द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ लाइफ एंड ह्यूमन नेचर। देखिए, एक समय पर क्या होता था पता है स्टूडेंट, लिटरेचर का मतलब सिर्फ होता था लोगों को एंटरटेन करना। आज से कह सकते हैं कि 400-500 साल पहले पोएट कविता ही लिखते थे पैसा कमाने के लिए, लोगों को एंटरटेन करने के लिए। पर धीरे धीरे जैसे समय बीता गया ना, तो लिटरेचर लोगों को एजुकेट करने के लिए यूज़ किए करने जाने लगा।
सब कोई जो पोएट होते हैं वो अपना पोएम से, जो राइटर होते हैं वो अपनी स्टोरी से लोगों को एजुकेट करते हैं, समाज को संदेश देते, तो लिटरेचर का डेफिनेशन थोड़ा सा बदल गया। हो सकता है कि आज से 600-700 साल बाद लिटरेचर का डेफिनेशन कुछ और हो। तो देखिए, लिटरेचर नॉट ओनली एंटरटेन्स बट ऑल्सो एजुकेट्स एंड प्रोवोक्स थाट्स। आपके थॉट को, आपके विचार को भी प्रोवोक करता है, मेकिंग इट अ फंडामेंटल एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन। इतना पढ़ने के बाद आप लिटरेचर से परिचित तो हो ही गए होंगे। आइए देखते हैं लिटरेचर के डेफिनेशन को, अगर एग्जाम में आए तो आप क्या लिखेंगे, लिटरेचर को आप डिफाइन कैसे करेंगे। तो लिटरेचर एकॉम्पासेस रिटन वर्क्स। लिटरेचर एकॉम्पासेस रिटन वर्क्स तो होगा ही, रिटन वर्क्स होगा और क्या होगा, उसमें लॉन्ग लास्टिंग आर्टिस्टिक मेरिट होगा। लिटरेचर एकॉम्पासेस रिटन वर्क्स ऑफ सुपीरियर और लास्टिंग आर्टिस्टिक वैल्यू मेरिट, ठीक है। दीज वर्क्स इंक्लूड नोवेल, शॉर्ट स्टोरीज, पोएम, प्लेज एंड एसेज। लिटरेचर इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंसेस। द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है कि द लिटरेचर इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंसेस, इमोशंस एंड थॉट्स, ऑफरिंग रीडर्स इंसाइट्स इन टू द ह्यूमन कंडीशन एंड वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। जैसे जैसे हम लोग कोई भी यूनिट को कंप्लीट करते जाएंगे, फिर उसके बाद क्वेश्चंस देखेंगे कि आखिर इस यूनिट से कौन कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और लिखना है। अभी फिलहाल आप डेफिनेशन को अच्छे से समझ पा रहे होंगे कि क्या है, कि लिटरेचर एनकंपासेस रिटन वर्क्स ऑफ सुपीरियर जिसमें आर्टिस्टिक मेरिट हो। कौन कौन से वर्क इंक्लूड रहते हैं, शॉर्ट स्टोरीज हो सकता है, पोएम हो सकता है, प्लेज हो सकता है, ऐसे हो सकता है। और जो लिटरेचर है वो क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंसेस, इमोशंस, थॉट्स एंड ऑफरिंग रीडर्स इनसाइट्स इनटू द ह्यूमन कंडीशन एंड वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। तो इतना से आप तो लिटरेचर के डेफिनेशन को समझ गए होंगे। अब देखते हैं कि लिटरेचर कैसे कैसे हमारे बीच आया है। कैसे कैसे आया है, कहने का मतलब है कि शॉर्ट स्टोरीज के माध्यम से आया है, पोएम्स के माध्यम से आया है, ड्रामा के माध्यम से, फ्रिक्शंस के माध्यम से, कैसे हमें क्या संदेश दे रहा है। तो ये सब क्या है, टाइप्स ऑफ लिटरेचर है। देखिए बच्चों, टाइप्स ऑफ लिटरेचर हमें मेनली पढ़ना है 4 ही, फिक्शन, नॉन फिक्शन, पोएट्री, ड्रामा। इन चारों को हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आप इन सभी को रिवाइज करके रखिएगा कि आखिर लिटरेचर किसे कहते हैं। और हमारे जो टेलीग्राम चैनल है DMA एजुकेशन, वहाँ से इस PDF को आप ले सकते हैं और एप्लीकेशन इंस्टॉल करके हमारे साथ कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में टाइप्स ऑफ लिटरेचर के साथ। थैंक यू।